दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। अगर आप लूडो खेलते हैं और उसमें कनेक्टिंग सर्वर का प्रॉब्लम बार बार अगर आपके मोबाइल पर आ रहा है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को क्लिक कर लीजिए और ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको जो लूडो का जो लेटेस्ट वर्जन है ना वो इंस्टॉल कर लेना है या फिर अपडेट कर लेना है। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए और अपना जो लूडो जो आपने डाउनलोड किया है उसका अपग्रेडेड वर्जन अपग्रेड कर लीजिए या फिर लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ये कर लेने के बाद आपको एक और काम करना है और यही लास्ट है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम कभी सॉल्व भी नहीं होगा। तो उसके बाद फिर आपको ये लूडो वाला जो आइकन है उस पर लॉन्ग प्रेस करना है, मतलब प्रेस एंड होल्ड, और उसके बाद ऐप इन्फो पे चले आना है। अगर आपको मतलब आपके मोबाइल पर इस तरह से नहीं हो रहा है तो आप सेटिंग्स पे चले जाएँ। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको इंस्टॉल्ड ऐप पे चले जाना है और वहाँ से फिर आप ऐप को सेलेक्ट कर लें और ऐप इन्फो पे चले जाएँ। और यहाँ आने के बाद आपको स्टोरेज यूसेज के ऑप्शन पर चले जाना है। और यहाँ ध्यान में रखने वाली बात है कि बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि लोग बताते हैं क्लियर कैचेस और क्लियर डेटा कर लेना है, बट क्लियर डेटा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो किसी और कंडीशन पर किया जाता है। बट यहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्लियर कैचेस करना है, ये कर लेना है। क्लियर डेटा इसलिए नहीं करना है कि जब भी आप क्लियर डेटा करेंगे तो फिर क्या होगा ना, आप ने जो लॉगिन किया है लूडो पर वो सारी चीज़ें उड़ जाएंगी और फिर से आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा और वो लॉगिन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसके लिए आपको ऐसा करना है और फिर आपको प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ कनेक्टिंग सर्वर का प्रॉब्लम ही नहीं, इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा लूडो का। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरीके की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।